हेलो दोस्त, RRC कोलकाता साउथ सेंट्रल रेलवे का ग्रुप डी का रिजल्ट वेबसाइट से हटा लिया है। इसका मतलब है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज रिजल्ट आएगा जैसा कि लग रहा था कि RRB इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करेगा, और उम्मीद था कि कट ऑफ दे दिया होता तो ये सुबह ही क्लियर हो जाती सारी चीज़ें कि कितनी कैंडिडेट क्वालिफाई किस में किए हैं। हालांकि कट ऑफ नहीं दिया, उसके कारण से भी और कन्फ्यूजन बढ़ा, और कन्फ्यूजन बनने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी कि कैंडिडेट लगभग लगभग हैं, यानी UR में बहुत लोगों को सिलेक्शन यानी ज़्यादा नंबर होने के बाद नहीं हुआ, लेकिन बहुत कितना होगा ये रिजल्ट आएगा तब एनालिसिस हो पाएगा। जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि 1000 रिजल्ट होगा OBC में केवल, बाकी और किसी में होगा वो सब वेरीफाई होने के बाद बात करेंगे, अंदाजे से नहीं बात करेंगे। UR में अब कितना कटअप बढ़ेगा या घटेगा, तो जिनको वीडियो में रहता है कि जल्दी है तो उनको बता दूं कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। UR का कटअप जो है वही रहेगा, हालांकि वेबसाइट पे नहीं आया है इसलिए मन में संदेह रहेगा कि कटअप बढ़ा है या घटा है। OBC SC ST WS में कटअप चेंज होगा, और कटअप चेंज क्या होगा, सीधी सी बात है कम तो होगा नहीं किसी में, ज़्यादा ही होगा। दो चीज़ें मैं बता दिया हूँ, अगर इससे वीडियो आपको ख़त्म हो जाता है तो आप लीव कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन अब टेक्निकली अब ये रहेगा कि DB 7 तारीख से होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा रिजल्ट पे। और अगर 7 तारीख से कराना है तो शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, CCA को करा सकते हैं और आपके PWD का DB हो सकता है 7 तारीख का, ऐसा नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा रेलवे पे कि कितना जल्दी रिजल्ट और कितना जल्दी रिकवरी मोड में आते हैं। हो सकता है आज ही आ जाए, कल ही आ जाए, उस पे डिपेंड करेगा। और रिजल्ट बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगता, सारा चीज़ें बना हुआ है उनके पास, खाली क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कटअप का आप देखिए, यहाँ जो कटअप गया था, अब यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लोर कर दिया है RRB ने कि जो नॉर्मलाइज मार्क्स कटअप था वो 70.65 UR का गया था PT के लिए, अब DB के लिए क्या जाएगा। तो जो लोग बोल रहे थे रेंज लगभग लगभग पता है 70 से 75, यानी UR का कटअप ये लगभग लगभग 75 के आसपास है, 70.4999 से ऊपर ऊपर है, कहीं पे भी ये टिकेगा, आसपास में यही रहेगा। पॉइंट में एग्जैक्ट कितना होगा कोई बदलना अब नहीं है, जो पहले कैंडिडेट थे वही रहेंगे, और जो UR में पहले सिलेक्टेड थे वो कैंडिडेट कोई भी बाहर नहीं जाएगा और UR में कोई अंदर नहीं आएगा। ये क्लियर है, ये कंडीशन आप ख़त्म कीजिए, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब चेंज क्या हो रहा है इस रिजल्ट में कि जो इन सारे कम्युनिटी का कटअप था ये अब बढ़ेगा। कुछ लोग यहाँ कह रहे थे 69 का सिलेक्शन हो गया है और 72 का नहीं हुआ है, तो 72 वाला जब कैंडिडेट 69 की जगह पे आएगा तो कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रेल का इंजन होता है UR, जैसा कि हमने सारे वीडियो में बात कर लिया है, UR का 75 है, तो ये वाला आप कटअप कुछ लोग कह रहे हैं 10 बढ़ेगा, ऐसा कहो देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 बढ़ेगा, लेकिन कुछ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा तो मुझे अनुमान ये पहले से मैंने जो आपको साथ डिस्कस कर रखा है, इससे तो ज़्यादा ही जाएगा, इस कटअप से ज़्यादा जाएगा, और इस कटअप से ज़्यादा जाएगा। जैसे यहाँ 75 चला गया है तो 75 तो नहीं जाएगा, 75 से नीचे ही रहेगा, और ये करीब करीब अगर मान लीजिए कि यहाँ के बीच में आए तो 71.5 से लेके 71 मान लीजिए, 5 छोड़िए, 71 से लेके आपकी 72.5 तक कहीं भी जा सकता है आसपास के रेंज में UR का, यानी 71 मतलब यहाँ से 0.4 मैं बढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, 0.4 क्या 3.5 भी बढ़ा रहा हूँ, और ऊपर में 72.5, क्योंकि कैंडिडेट हैं अभी, अगर ऐसा रिजल्ट आया तो फिर जो बचे हुए कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे। EWS 53 गया है, इस बार लोगों को पसीना छूटा, कहाँ गया कटअप, 70 तक पहुँचा गया क्या, तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा EWS में 1002 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और सीटें मतलब लिमिटेड है, केवल 482 है, तो कटअप तो बढ़नी है, कटअप ये बढ़ के करीब करीब हमें लगता है 61-62 इस रेंज में जाना चाहिए। बाकी अभी डिटेल आने पे ही बात किया जाए, क्योंकि अभी बाकी चीज़ें अब एग्जैक्ट डाटा नहीं कहा जाता, लेकिन 70 कभी नहीं जाएगा ये आप मान के चलिए, इससे कम ही रहेगा, जैसा कि पहले भी कंसेप्ट में हमने बात करते चले हैं। उसके बाद ये 54 वाला कैंडिडेट ये भी बढ़ेगा और 60 से ऊपर जाएगा, एकदम श्योर मान लीजिए 60 से ऊपर है, 60 प्लस कहीं भी जा सकता है ये है। उसके बाद ये 46 वाला कटअप, तो आप सोच ही लीजिए, लोग कह रहे थे कि 46 कटअप गया, 47 गया है, ऊपर नहीं जाएगा, तो मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, और ये भी
56 प्लस के आसपास, 55 से ले लीजिए, 55 प्लस से लेके 60 तक कहीं भी आसपास में जा सकता है। 70 तो नहीं जाएगा, 60 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट पे। और कैंडिडेट यहाँ पे देखिएगा, अगर कौन कम्युनिटी में तो ठीक ठाक कम्युनिटी में कैंडिडेट हैं, हर कम्युनिटी से यहाँ पे तो जो कैंडिडेट हैं वो आपको PT क्वालिफाई में 7600 में, तो यहाँ पे देखिएगा हर कम्युनिटी में ठीक ठाक कैंडिडेट हैं। OBC में, SC में, आपका EWS में, SC में, ST में, UR में कम है, और UR का कोई चेंज होना नहीं है। यानी सिंपल सी बात कहें तो UR में कितने रिजल्ट रहेगा, तो अभी तक DB में जो रिजल्ट आया है वो आया है 414 UR वाले का, और जो बाकी बच गए कैंडिडेट 121 SC का, ST का 286 और 183, इन सारे कैंडिडेट अभी भी UR में रहेंगे। ये कैंडिडेट का चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो इसमें ये वाले का स्थान बदल जाएगा, ये हट जाएंगे और इनके स्थान पे कोई ना कोई आ जाएंगे। और जिनका अपर साइड में नंबर है वो तो नहीं हटेंगे, लेकिन जिनका लोअर साइड में है एक आध नंबर वाले, वो नंबर वाले अंतर पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।